Uh, hi guys, welcome in this video and uh, in this video we are going to learn about uh, DHCP server configuration options. We are going to know what are the uh, server configuration options we have in DHCP. So the DHCP server configuration option defines server wide behaviors. सर्टन कॉन्फ्रिगेशन आल्सो अफेक्ट द स्कोफ दैट द सर्वर होस्ट तो अगर यहाँ पे क्या है कुछ हम देखेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि इसके स्कोप को क्या क्या करते हैं Uh, उस सर्वर uh, जो स्कोप है हमारे सर्वर को उसको इन्हैंस करते हैं जो कुछ फीचर्स हैं उन सबको उनको देखेंगे हम ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे तो सबसे पहले अगर हम इस इमेज को देखें तो यहाँ पे एक जनरल का ऑप्शन होता है हमको यहाँ पे ठीक है दिस ऑप्शन इनेबल द एडमिनिस्ट्रेटर टू सेटअप डी एच सी पी टिबिंग एंड टबल सूटिंग स्टेटस्टिक्स अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो अभी मेरे पास यहाँ पे डी एच सी पी सर्वर नहीं है तो मैं दिखा था तो हम समझने की कोशिश करेंगे थेटिकल तो यहाँ पे डी का हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा रहता है इनेबल डी एच सी पी ऑडिट लॉगिंग एंड वन मोर थिंग इज दैट टेबल फोर्डल दिस बूट टी पी एंड ऑल तो मेरा पिछले वीडियो आप देख सकते हैं मैंने उसमें बताया है इसको कैसे करते हैं करके दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है डी uh, का तो डी ऑप्शन से क्या है डी

अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हम इस डी डी के ऑप्शन से उसको अपडेट कर सकते हैं वैसे एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे एडवांस एक्सेस प्रोटेक्शन का तो पता है नाम तो ही चल रहा है कि एक्सेस प्रोटेक्शन है मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है दीज इनेबल यू टू कॉन्फिगर नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन टू बी इन्फोर्सड फॉर वन और मोर स्कोप्स तो हम क्या करते हैं एक से ज़्यादा स्कोप के लिए इसको नेटवर्क एड्रेस प्रोटेक्शन कॉन्फिगर कर सकते हैं नैप अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू वेरीफाई दैट द मशीन्स रिक्वायरिंग रिक्वेस्टिंग एन आई पी एड्रेस सिस्टम्स लेटेस्ट वर्जन एंड दैट दे आर रनिंग एंड अपडेटेड एंटीवायरस प्रोग्राम तो जो हमारे पास एक एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं अभी नैप का नैप कैसे कॉन्फिगर करते हैं नेटवर्क एड्रेस प्रोटेक्शन तो उससे हमको सिस्टम का हेल्थ पता चलता है क्या इशू है क्या प्रॉब्लम है उसमें और वो अपडेटेड है या नहीं तो हम इसकी इसकी भी हेल्प लेंगे उस वीडियो में आ, उस वीडियो में इसको यूज़ करना होता है इसको कॉन्फिगर करना होता है तो अभी जैसे बेसिक चीज़ें दूसरा एक और यहाँ पे ऑप्शन है एडवांस का एक एडवांस का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे ये वाला और ये था नेटवर्क प्रोटेक्शन अभी हम एडवांस की बात करेंगे एडवांस में हमको क्या मिलेगा दिस ऑप्शन इनेबल द एडमिनिस्ट्रेटर टू फोर्स सी पी सर्वर टू चेक फॉर द आई पी कॉन्फ्लिक्टन द डीएचसी क्लाइंट रिक्वेस्ट अ पर्टिकुलर आई पी एड्रेस तो ये क्या है हाँ जो आई पी कॉन्फ्लिक्ट को चेक करने का काम करता है हम इसको यहाँ ऐसा सेटिंग कर सकते हैं कॉन्फिगर कर सकते हैं कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दिस बेनिफिट्स ओल्डर क्लाइंट दैट डू नॉट परफॉर्म देयर ओन चेक हाउ एवर दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्स ओवर हेड अभी यह क्या है चेकिंग का प्रोसेस है तो इससे ओवर हेड का एक प्रॉब्लम हो सकता है द रिकमेंडेड कॉन्फर्गेशन इज़ टू टर्न ऑफ दिस सेटिंग तो बेसिकली यह क्या है बंद रहती है इसको हम इनेबल कर सकते हैं बाद में अब दूसरा चीज़ इसमें क्या है द uh, आई पी वाइंडिंग अलाउ यहाँ पर आई पी वाइंडिंग का ऑप्शन तो नहीं है uh, हमारे पास बट हम इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रहेगा यहाँ पर दिख नहीं रहा है मैंने इमेज नहीं लिया है देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा रहता है हम इस डी एन uh, पे क्लिक करते हैं तो इनेबल डी एच डी डायनामिक अपडेट्स अकॉर्डिंग टू द सेटिंग बिलो तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कैसे करते हैं द आई पी बाइंडिंग अलाउ द एडमिनिस्ट्रेटर टू स्पेसिफाई द आई पेडस ऑन विच द डी एच सी पी सर्वस शुड लिसन फॉर रिक्वेस्ट तो यहाँ पे क्या है हम आई पी बाइंडिंग कर सकते हैं कि ये किस एड्रेस को ये हमारा डी एच सी पी सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा या सुनेगा इस तरीके की सेटिंग हम यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में कर सकते हैं तो, तो मैं लाइव आपको एक वीडियो में दिखा दूंगा इस वीडियो में इतना ही था ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल का यू आर एल यहाँ पे है यहाँ पर सी सी एन और एम सी आई टी पी का वीडियो भी है और ज़्यादा वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और, और इस पर कमेंट कीजिए लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए बाय बाय